गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महाबोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें, ताकि हम लोगों का बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, साचे दरबार की, भक्त भगवान की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मेही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्य पाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज थोड़ा ऊपर करो, उनके हृदय स्वरूप तथा आज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय इस कार्यक्रम के सर्वोसर्वा हमारे आदरणीय श्री राजू बाबू, हमारे आदरणीय टीके साहु जी, हमारे चंद्रकिशोर भाई तथा हमारे नकुल बाबू, हमारे ज्ञानी भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों को नमन करता हूँ, सबों का प्रणाम करता हूँ। और आज जो 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सबों को अधिक से अधिक साधुवाद देता हूँ। संसार का हर प्राणी हर जीव आज़ादी चाहता है। कोई भी व्यक्ति गुलामी पसंद नहीं करता। गुलामी की बेड़ी को, गुलामी की जंजीर को झकझोर करके तोड़ देना चाहता है। गुलामी बहुत बुरी चीज है, लेकिन हम गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, विषयों के गुलाम, सबका गुलाम बन गए। जबकि
हम सबका मालिक है। हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत माता के हाथ और पैर में बीड़ी और जंजीर बंधा रहा। लेकिन धन्य है हमारे देश के महापुरुष चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह और हमारे वीर पुत्र भारत माता के सच्चे सपूत हमारे कौन थे जानते हैं? श्री सुभाष चंद्र बोस जी महाराज, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी शहीद हुए। आज वो कुर्बानी नहीं देते तो हमारे हाथ में जंजीर बंधी होती, हमारे पैर में बीड़ी बंधी होती। इसलिए उन महापुरुषों को भी हम एक बार नमन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, सच्चे सपूतों की। प्राचीन दर्शन कहता है जो ईश्वर, वेद और गुरु में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। लेकिन नवीन दर्शन बोलता है जो अपने में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। नो टू ओन सेल्फ, रियलाइज टू ओन सेल्फ, बिलीव टू ओन सेल्फ। अपने आप पर विश्वास कीजिए। जिसको अपने आप में विश्वास नहीं है, अगर आप 33 करोड़ देवी देवता पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जीवन में सफलीभूत नहीं होंगे, आप जीवन में असफल हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है अपने आप पर विश्वास करें और अपने गुरुदेव पर विश्वास करें। कैसा विश्वास होना चाहिए, कैसी निर्भीकता होनी चाहिए, कैसा साहस होना चाहिए। मैं समुद्र को पी जाऊंगा एक चुल्लू में, हिमालय पहाड़ हमारे गर्जना से चकनाचूर हो जाएंगे। इतना आत्मबल, इतना साहस हो तब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हम निर्भीक बने, हम भयभीत बने, लेकिन ये निर्भीकता भजन से आती है, सत्संग से आएगा, आत्मज्ञान से आएगा, आत्मबोध से आएगा। नो टू ओन सेल्फ, अपने आप को जानिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था शिकागो के धर्म सम्मेलन में, अध्यात्मवाद का डिमडिम घोष करते हुए कहा था, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर अ फ्यू डेज, दीज आर मोर्टल, सो बी केयरफुल एंड स्टैंड अप एंड फाइंड आउट द डिविनिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड डीप कॉन्शसनेस। धन, जवानी, पद सदा नहीं रहते। आज आपके पास बहुत धन है, आज आप कुबेर हैं, कल आप गरीब हो सकते हैं। जवानी भी शब्द नहीं रहेगी, आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे। पद भी शब्द नहीं रहेगा, आज अगर राष्ट्रपति हैं आप, अगर प्रधानमंत्री भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। जीव अपने कर्म के अनुसार योनि धारण करता है। हम मनुष्य कैसे बने आप जानते हैं? अपने अच्छे कर्म के कारण हम मनुष्य बने हैं। और हम सत्संग में कैसे आए आप जानते हैं? हमें जगाने वाले लोग मिले हैं, हमारा संस्कार हमें प्रेरित किया है, भगवत कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, तब हम सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग में सब नहीं आते, सत्संग भगवत कृपा है। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी लहर है, लेकिन ऐसी हालत में भी आप यहाँ आए हैं,
यह आना क्या बताता है? यह आना ये बताता है कि आपके अंदर अध्यात्म है, आपके गुरु में शक्ति है, आपके गुरु ने आपको सुंदर ज्ञान दिया है, वेदांत का ज्ञान दिया है ना। देह धरे के यह फल भाई, बजी राम सब काम बिहाई। हमारे गुरुदेव महर्षि मई परमन जी महाराज बिल्डर शीर्षक की एक कविता को उद्धृत करते हुए, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड, आवर टू डेज एंड स्टर्डेज आर विथ ब्लॉक्स विच वी बिल्ड। मनुष्य का जीवन प्रत्येक दिन के शुभ अथवा अशुभ कर्मों से बनता है। अगर कर्म आपने अच्छा किया तो आपका मकान सुंदर बनेगा। कर्म रूप ईंट है, देखिए कर्म रूप ईंट आपके पास है, उस ईंट से चाहे आप सुंदर मकान बना लीजिए, चाहे मंदिर बना लीजिए, या तो शौचालय बना लीजिए, शौचालय भी बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। इसलिए मन को गंदा मत बनाइए, जीवन को गलत मार्ग में नहीं ले जाइए, जीवन को अच्छे मार्ग में ले जाइए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, चरित्रवान बनो चरित्रहीन न बनो। आज समाज इतना नीचे गिर गया है कि अपने पड़ोस की बहन को बहन नहीं कह सकता। हम अपने आप को उठाएं, हमारा मन पवित्र हो, हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी इंद्रियां पवित्र हो, और संपूर्ण विश्व पवित्र हो जाएगा। सद्गुरु महाराज की जय। जो जैसा चश्मा पहनता है उसको दुनिया वैसा ही दिखाई पड़ता है। अगर हम लाल चश्मा पहन ले तो संसार रंगीन दिखेगा लाल, अगर हम नीला चश्मा पहन ले तो संसार नीला दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसका जिंदगी वैसा बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन देखो, किसी भी देवी देवता के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लिखा गया, लेकिन भगवान श्री राम के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लिखते हैं? आप भारत का इतिहास उलट करके देखें तो हमारे देश के राजा लोग बड़े भोगी होते थे। कुछ राजा अच्छे भी हुए हैं, त्यागी भी हुए हैं, बैरागी भी हुए हैं, लेकिन अधिकतर राजा भोगी हुए हैं। विषय भोग में अपने को लगाकर अपने इंद्रियों को और मन को कमजोर कर लिया और दुनिया को कुछ दे नहीं पाया। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो चरित्र के मामले में बहुत ऊपर उठे हुए थे और उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। वैसे में भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम की शादी माता जानकी के साथ हुआ, मैया जानकी का हरण हुआ, आप जानते हैं रावण ने हरण कर लिया। जब भगवान राम को यज्ञ करना था एक, तो धर्मपत्नी के साथ ही यज्ञ होता है गृहस्थ का। अगर धर्मपत्नी नहीं हो तो उसका कर्मकांड पूरा नहीं होगा, इसलिए धर्मपत्नी का भी ऊपर स्थान होना चाहिए। इसलिए जिस घर में नारी का इज्जत नहीं है, नारी की प्रतिष्ठा नहीं है, वो घर में दरिद्री आ जाता है, वो घर से लक्ष्मी भाग जाती है। भगवान श्री राम ने ही नारी की प्रतिष्ठा किया था और भगवान श्री राम से ही कहा गया कि महाराज आपकी पत्नी का तो हरण हो गया है, आप दूसरा शादी कर ले। भगवान राम ने कहा खबरदार, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा। जबकि देखिए भगवान श्री राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनकी भी तीन रानियाँ थी ना, और राजा दशरथ के पिता आज थे, उनकी सैकड़ों रानियाँ थी। उनके पूर्वज और देखिए दिलीप, सबकी अनेक शादियाँ थी, लेकिन भगवान राम ने दूसरा शादी नहीं किया, बोला हमारी जो धर्मपत्नी है वही रहेगी। इसलिए भगवान राम के नाम के आगे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम लिखते हैं। हमारा देश सतियों का देश है, यतियों का देश है। हमारे देश में नचिकेता, दुर्वासा, अत्रि, जमदग्नि, संत कबीर, गुरु नानक, पलटू, सूर, मीरा और सहजो जैसी महान साध्वियाँ हुई, जिन्होंने चरित्र का ज्ञान हमें दिया माता सावित्री ने।
सावित्री का नाम आज अजर अमर है, अपने मृतक पति के प्राण वापिस कर लिए। बहुत सारे माता बहनों का देखो कपड़ा माथे पर नहीं है। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोग बुरा ना माने, सब अपना कपड़ा माथे पर रखिए। ये भारत देश है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कपड़ा अगर सिर पर नहीं होगा तो पति की आयु छीन हो जाती। चरित्र ही जीवन है और चरित्र का नाश ही मृत्यु है, इसलिए अपने चरित्र को बरकरार रखना है। मैं क्या कह रहा था, वहीं आइए, क्या बोल रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम ने हमको ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, अपने मित्र की सहायता करो, जिन्होंने थोड़ा हमारी सहायता किया है उसको अधिक हम सहायता करें। नहीं, भगवान राम ने गिलहरी को भी आशीर्वाद दिया। गिलहरी क्या सहायता किया था, जब भगवान श्री राम बांदी सेना के सहयोग से समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे, तो गिलहरी क्या करता था, सोचा हम भी एक भालू बंदर सहायता कर रहे तो हम भी करूँगा। वो क्या करेगा बेचारा, क्या पत्थर उठाएगा, लेकिन बालू पर लोट फुट करता था, कुछ बालू उसके शरीर में चिपक जाता था और वहाँ जाके झाड़ाता था। भगवान राम उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम ने कहा, गिलहरी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तूने हमारी बहुत सहायता किया है। थोड़ा भी जिसकी सहायता है उसका हमें ऋण होता है हम पर, उसको अदा करना चाहिए। देखिए भगवान राम जंगल में है ना, जंगल में है, माता जानकी का हरण हो गया और माता जानकी को खोज रहे हैं। किन पर भगवान राम की कृपा हुई है, माता सबरी के कुटिया में भगवान राम चले जाते हैं। केवट के पास भगवान नाव मांगने के लिए जाते हैं, जटायु जी के पास जाते हैं भगवान। एक कवि ने लिखा है, सबरी केवट जटायु अहिल्या के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, एक न एक दिन हुआ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। सबरी मैया कभी आशा छोड़ी, 10,000 वर्ष तक अपने गुरु के कहने पर भगवान राम आएंगे, तुम वहीं रहना। माता सबरी ने गुरु पर विश्वास किया और 10,000 वर्ष तक इंतजार की, अब भगवान राम आए। केवट के पास भगवान राम स्वयं चलकर के आए, जटायु के पास भगवान राम स्वयं चलकर के आए। भगवान राम के लिए माता सबरी बेर लाती है जंगल से। जब बहुत समय हो गया भगवान राम नहीं आए तो माता सबरी उदास हो जाती है। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो शरीर में शक्ति न रही, अब लगता है भगवान राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। माता सबरी आज बहुत उदास, होठ फड़क रहे हैं, बायां अंग फड़क रहा है। जिस झोपड़ी में रहती है उसके छप्पर पर दो कौआ चावल बांट रहा है। माता सबरी को कुछ विश्वास हो गया कि लगता है भगवान राम जरूर आएंगे। वो कौआ जो चावल बांट रहा है, माता सबरी कौआ से पूछती है, देखिए माता सबरी जो भक्त होते हैं वो पशु पंछी से भी बात करते हैं। माता सबरी से
भगवान श्री राम क्या बोलते हैं? भगवान श्री राम बोलते हैं, सबरी मैया बोलती है। आप लोग टोका करिए, मैं कभी कभी देखिए गलत बोल देता हूँ, आप लोग पकड़ते हैं कि नहीं? आप लोग पकड़ा कीजिए। एक भक्त था, वो सत्संग में आके सो जाता था, भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे तो भगवान बुद्ध टोक दिए, हे भाई ठीक से संभल के बैठो, ध्यान से सुनो। तो बोलता है भंते सुन ही रहे हैं, भंते सुन रहे हैं। फिर सोने लगा, फिर बोले भाई संभल के बैठो, तो फिर बोले सो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हर चीज़ में बोलता था हाँ या नहीं, दो ही चीज़ बोलता था। तीसरा चीज़ क्योंकि सुनता ही नहीं था, हाँ अथवा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सत्संग सुन रहे हो जी? तो हाँ। तो भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, जिंदा हो जी? तो नहीं। क्या बोला? जिंदा हो जी? तो बोलता नहीं। अब बताइए, सुन रहा था नहीं सुन रहा था? हाँ नहीं, हाँ नहीं बोल रहा था, और सत्संग सुन नहीं रहता। सत्संग में ध्यान से सुनिए। देखिए, कुआं से पानी आप भरते हैं ना, तो क्या करते हैं? बाल्टी को कुआं में खाली ले जाते हैं कि भर के ले जाते हैं? बोली, खाली ले जाते हैं। बाल्टी से बांध देते हैं डोरी को और रस्सी को डालते हैं कुआं में, हिलाते हैं और पानी भर करके लाते हैं, फिर पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। सत्संग में आइए तो मन रूपी बाल्टी को खाली रखिए, बहुत सारे कूड़ा कचरा को लेके आइएगा तो सुनिएगा कुछ, साहब को बाहर निकाल दीजिए, बाल्टी खाली ले जाइए और उसमें ठंडा पानी भर के लाइए और गर्मी में प्यास बुझा लीजिए। मन भी बाल्टी है। भजन में शक्ति है ना, संत महात्मा कहते हैं भजन में शक्ति है। आप भजन करेंगे तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे, आपकी वाणी में ताकत आ जाएगा, आपकी आँख दृष्टिवान हो जाएगी, आपका कर्णेंद्रियों में बल आ जाएगा, आपका हाथ आपका पैर शक्तिशाली हो जाएंगे, आपसे कोई आँख नहीं मिला सकेगा आप यदि भजन करेंगे तो, और नहीं तो बिल्ली बने रहिएगा, गिदड़ देखते हैं शेर को देख करके फुर से भाग जाता है। शेर बनिए, शेर, और शेर तब बनिएगा जब भजन कीजिएगा। एक गुरु शिष्य आ रहे थे, ठीक है, जंगली रास्ता था, गुरु शिष्य आ रहे थे। गुरु जी का संध्या का समय हो गया, जब ध्यान का समय हो जाए तो ध्यान जरूर करना चाहिए, संध्या नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। गुरु शिष्य आ रहे थे तो गुरु ने देखा कि संध्या का समय हो गया है। एक सरोवर था जंगल में, वो स्नान किए, अपना आसनी बिछाए और ध्यान करने के लिए बैठ गए। शिष्य भी बगल में बैठ गया, पीछे में एक शेर आ गया और शेर बहुत जोर से दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुन करके शिष्य तो रफू चक्कर हो गया, चढ़ गया गाछ पर। गुरु बैठे रहे, गुरु ध्यान करते रहे और शिष्य चढ़ गया ऊपर, इधर उधर देख रहा है। बहुत देर के बाद क्या देखा, शेर जो है जंगल की तरफ चला गया। वो धीरे से नीचे उतरा, देखा कि गुरु जी की आँख बंद है और ध्यानस्थ बैठे। बोला, गुरु जी को जगाना चाहिए। पकड़ के हिलाया, गुरुदेव गुरुदेव, तो गुरुदेव की समाधि लगी थी। बोला, थोड़ी देर ध्यान करने देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर हिलाया, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव ने आँख खोली, क्या है बेटा बोलो? बोला, गुरु जी आपको मालूम नहीं है कुछ? बोला, क्या? बोला, शेर आया था, शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा गुरु जी, मैं तो डर गया और गाछ पर चढ़ गया। शेर आया, आपका चरण चाट करके चला गया, तो आपकी आंखें नहीं खुली, तो जंगल है ना, जंगल में बहुत मक्खी मच्छर है, तो गमछा से मच्छर को भगाने लगे गुरु जी। अब भागने लगे मच्छर के डर से। बोला, गुरु जी आपने हद कर दिया। बोला, क्या? बोला, अभी शेर आया था,
इतना जोर से दहाड़ा तो आपको डर नहीं लगा, आप भागे नहीं और एक मच्छर के डर से भागे जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम नहीं समझता है, अभी मैं परमात्मा में डूबा हुआ था, परमात्मा के गोद में बैठा था तो शेर से भी नहीं डरा था, अभी ईश्वर का संग नहीं है हमारा, अभी तुम्हारा संग हो गया है तो मच्छर से भी डर रहे हैं। हम मच्छर से भी, याद रखिए, मच्छर से भी डरिएगा यदि भजन नहीं कीजिएगा, और भजन कीजिएगा तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब काम कर दीजिएगा। इसलिए शक्ति को प्राप्त करिए, है ना। यहाँ जनरेटर है, बैटरी चार्ज हो रही है ना, बिजली चली जाएगी जनरेटर चालू हो जाएगा, हाँ इन्वर्टर चलेगा, उसी तरह से चार्ज होइए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। हमारे आदरणीय टीके बाबू, हमारे राजू बाबू बैठे हैं, बहुत सुंदर सत्संग मंदिर बना दिए हैं, अपना लिए बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप लोग सत्संग में आइए और अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को समझिए, अध्यात्म ज्ञान को, इसका अनुपालन कीजिए, दीक्षा लीजिए और ध्यान कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आजकल माता पिता की सेवा कम होती है, सास ससुर की सेवा भी कम होती है, करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं। सेवा कीजिए। हम भजन नहीं करते हैं इसलिए डरपोक हो गए, कायर हो गए हैं, बुजदिल हो गए। हम लोग का आत्मबल इतना गिर गया है, हम लोग कहते हैं जी फलाना काम तो हमसे नहीं होगा, हम तो कभी ठीक नहीं होंगे जिंदगी में, ऐसा भी बोलते हैं। हमारी गरीबी तो कभी दूर नहीं होगी, हम वैज्ञानिक तो कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं, नाम सुने होंगे आप रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर पहली दफा जब उन्होंने कविताएं लिखी तो लोग मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, बोला ऐसा कभी हो सकता है तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो लगे रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनसे पूछा गया, महाराज आपको शत्रु नहीं मिले क्या, बाधक लोग नहीं मिले? बोले बहुत मिला। तो आप कैसे आगे बढ़ गए? बोला हाँ, उन लोगों की तो आदत है, हमारा टांग खींचते रहे, हमें बहकाते रहे, लेकिन मैं अपने काम में जुटा रहा। वो आज भी नाली में कीचड़ के साथ होली खेल रहे हैं, और मैं चलता रहा चलता रहा, और मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। चलते रहिए, कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वालों, चलते रहिए आप। चलना कोई दलदल में चलना चलना नहीं है, सही रास्ता में चलिए, अध्यात्म के पथ पर चलिए, साधन भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, भलाई का काम कीजिए, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, है ना, तब आपका चलना होगा। अरे काम तो वो भी कर रहे हैं शराबी जुआड़ी, वो शराब पी करके मस्त है, वो भी कहते हैं हम काम कर रहे हैं, जुआड़ी ताश खेल रहे हैं, वो भी बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, वो कोई काम ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने कर्मयोग पर कहा, कर्म वही कर्म है जिससे सबको लाभ हो। अगर कोई भी कर्म हम ऐसा करते हैं हमें तो लाभ होता हो लेकिन समाज को हानि हो रहा हो तो कर्म ही नहीं है। एक वैज्ञानिक हुआ राइट ब्रदर्स, उन्होंने कहा कि मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, मनुष्य कहीं आकाश में उड़ता है? मनुष्य को पंख होता है जो आकाश में उड़ेगा। वो लगा रहा लगा लगा रहा, और राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया। वाल्ट डिज्नी का नाम सुने, जिन्होंने डिज्नी लैंड बनाया। जब डिज्नी लैंड उन्होंने बनाया, डिज्नी लैंड का मेला देखे होंगे आप लोग,
उस पर उपहास किया गया, उसकी निंदा की गई, लेकिन वाल्ट डिज्नी का आविष्कार किया उन्होंने, बनाया वाल्ट डिज्नी। बहुत ऐसी घटना है। कोलंबस का नाम सुने हैं? जब किसी देश की खोज में निकला कोलंबस, तो 90 पुर्तगाली उसके साथ देने वाले थे, कुछ तो भाग गए लेकिन 90 समर्पित थे। अमेरिका की खोज करते करते 3 महीना बीत गए लेकिन अभी तक खोज नहीं हुआ। मीटिंग किया 90 पुर्तगालियों ने मिल करके मीटिंग किया, ये पागल आदमी के साथ हम दे रहे हैं, ये खुद मरेगा, हम लोगों को भी मार देगा। मीटिंग क्या चल रही थी, आज इसको मार के गिरा देंगे और समुद्र में फेंक देंगे। ये सब सुन रहा था, नदी के तलहटी में सब सुन रहा था। ये बाहर आया और कहा, मेरे मित्रों क्या मीटिंग हो रही थी, मुझे मारने की, मुझे मार डालो। बोला नहीं 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 मारूंगा तो नहीं, लेकिन 3 दिन में इन्होंने कहा इतना दिन हमारी बात माने हो 3 दिन और मानो। पुर्तगालियों ने कहा मैं 4 दिन और मानूंगा, 4th दिन अगर वो धरती नहीं मिली तो मैं तुझे मार के गिरा दूंगा और समुद्र में किलहर में फेंक दूंगा। बोला ठीक है, लेकिन याद रखना। वो सोचा कि हो सकता है 3 दिन भी हमारी बात न माने और काम कर जाए। तो उन्होंने कहा सुनो, हमारे पास 3 दिन का ही भोजन है और 3 दिन का पानी है, वापिस होने में तुम्हें 3 महीने लगेंगे, तुम ऐसे भी भूखे और प्यासे मर जाओगे। उसे अच्छा है 3 महीना हमारी बात माने हो तो 3 दिन और मान लो, 4th दिन मुझे मार डालना। बोला ठीक है, मंजूर है। पुर्तगालियों ने नाव को बढ़िया से चलाया, हिम्मत के साथ चलाया, बहुत तेज़ी से चलाया और देखते ही देखते एक टापू मिल गया, वही अमेरिका था। अमेरिका की खोज हुआ और कोलंबस का नाम दुनिया में विख्यात हो गया। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। लोग बोलते हैं जी हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो मूर्ख हैं, तो मेहनत कहाँ करते हो? मेहनत करो, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, नहीं होगा तो फिर कहना। एक व्यक्ति पत्थर को तोड़ रहा था, बहुत मजबूत पत्थर था, टूटता नहीं था हथौड़ा से। एक चोट मारा, दो चोट मारा, 3 मारा, 50 मारा, 80 मारा, करके गिर गया। बोला अब नहीं टूटेगा पत्थर। एक बुद्धिमान आदमी आया, बोला देखो जी, अरे 99 चोट मारा तो एक चोट और मारो। उसकी बात मान करके एक चोट जोर से मारा और पत्थर चकनाचूर हो गया। क्या एक चोट में पत्थर टूटा? 100 चोट में टूटा था क्या? नहीं, सब चोट का प्रहार हुआ, पत्थर कमजोर होता गया। 99 चोट में पत्थर बहुत कमजोर हो गया और 100 चोट मारा तो चकनाचूर हो गया। दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा हमारे डिक्शनरी में कोई कठिन शब्द नहीं है। क्या कहा? हमारे डिक्शनरी में कोई भी कठिन शब्द नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। हम पढ़े थे नेवर लुक बिहाइंड बॉयज, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखो बच्चों, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर कर्म ने हाथ, प्रभु ने तुमको कर दान किए, मन वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो कहो किसका है दोष हो। किस गौरव की तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, तुम जन भी हो जगदीश्वर के। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमन जी महाराज का तस्वीर लगी हुई है। ये महापुरुष बड़े ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, जन्म जन्मांतर का संस्कार था, बहुत अच्छी संपत्ति थी और इकलौता बेटे थे, लेकिन वैराग्य ने इनको वशीभूत कर दिया। परीक्षा देते देते भाग गए परमात्मा की खोज में, गुरु की खोज में। बतलाते हैं 100-100 किलोमीटर पैदल चले दार्जिलिंग के पथ पर, सड़क पर, गर्मी का दिन और पैर में फफोला हो जाता था, फूट जाता था, पैर में जूते चप्पल नहीं थे, पैर में जूता चप्पल नहीं है, रास्ते में भिखारी मिल गया, कहा तुम लक्ष्मी के पुत्र हो, मुझे कुछ वस्त्र पहनाओ। तो कपड़ा कुछ भी नहीं था, जो घर से निकले थे बस वही था, तो क्या देते, अंगोछा था, अंगोछा दे दिया। बोला और कुछ दे दो, तो धोती पहने हुए थे, धोती फाड़ करके आधा दे दिए। बोले कुछ और दे दो, तो गुरु महाराज भागने लगे, बोला अब नहीं दे सकता, अब नहीं दे सकता। कितना त्याग है जीवन में, अगर हमें कुछ त्याग नहीं है तो हमारा जीवन पशुवत है, इसलिए हमारे जीवन में त्याग भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्यागा शांति निर्गच्छति, त्याग से शांति मिलती है। दो गुरु शिष्य जा रहे थे, दो गुरु शिष्य जा रहे थे, अब बीच में नदी आती थी, तो गुरु कहते थे बेटा त्याग में सुख है, शांति है, और चेला राम बोलता था गुरु जी पैसा के बिना काम नहीं चलता है। गुरु कहे त्याग के बिना शांति सुख नहीं है, और चेला राम बोलता था पैसा के बिना काम नहीं चलता है। नाव पार होना है, नाविक ने पार उतार दिया, बोला उतराई, तो गुरु चेला का मुंह देखते हैं, पैसा तो है नहीं, तो चेला के पॉकेट में 5 रुपया है, तो चेला 5 रुपया निकाल के दे दिया मल्ला को। अब गुरु चेला दोनों जाने लगे, तो चेला हंसता है, बोलता गुरु जी आप बढ़िया शिक्षा देते हैं, आप कहते हैं त्याग में शांति है, सुख है। गुरु जी हम तो पैसा पकड़ते हैं, हम तो पैसा लेते हैं, आज हमारे पास पैसा नहीं होता तो पार होते ना जी। बोले बेटा कितना समझाऊं, तुम समझता ही नहीं है। अरे तूने 5 रुपया का त्याग किया तो नदी पार कर गया, हमने जीवन में संपूर्ण वस्तु का त्याग कर दिया तो भवसागर पार हो जाएंगे। त्यागा शांति निर्गच्छति, त्याग में शांति। जिसके घर में एसी लगा हुआ है, मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं, कितना धन संपत्ति है, टाटा बिरला, रतन टाटा, बहुत धन संपत्ति है, शांति है, शांति नहीं है। शांति किसको है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे चक्रवर्ती को सुख भारी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बिना संपूर्ण दुनिया दुखी है, इसलिए नाम जपिए। बाबा गरीबदास जी महाराज ने कहा नाम जपे सो धनपति और सकल प्रपंच, जो भगवान का नाम जपता है वो धनवान है। सुबह में ब्रह्ममुहूर्त में जागिए, सोए मत रहिए, है ना, उस समय बहुत लोग सोए रहते हैं, बहुत लोग सोए रहते हैं, और घर वाले जगाते हैं 11 बज गए, उसका बेटा जगाता है, पिताजी पिताजी उठिए चाय बन गई है, बाप बोलता है चाय बन गई है, तब उठता है, मानो चाय नहीं बनती तो उठता भी नहीं, मानो चाहिए जगा रही है। अरे भाई चाय मत पियो, बहुत नुकसान है, शुगर हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा चाय पीने से, बहुत तामसी चीज़ है, सुबह सुबह तो कम से कम चाय नहीं पियो, कुछ खा कर के तब चाय पीला नहीं बनता है। तो वैसे तो युवक को, युवतियों को, विद्यार्थी को चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है ना, ये सब मत पियो। अब ये सब बच्चे बच्चियाँ, अरे यही तो
स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ तो यही है, और यही सहजूबाई और मीराबाई नहीं है, कोई दूसरा थोड़े होगा। तो अच्छा गाइडलाइन पकड़ के चले, नहीं अच्छी संगति करें, महापुरुषों का संग करें हम महापुरुष बन जाएंगे, चोर बदमाश का संग करेंगे हम चोर बदमाश हो जाएंगे। एक लड़का था, माता पिता से मेला में बिछुड़ गया जंगल में, तो छोटा सा बच्चा था, एक साल का सवा साल का होगा, वो जंगली जानवर के साथ गड़ेरियों के साथ पड़ गया। गड़ेरिया बच्चा को भी अपना ही बेटा मानता था, गड़ेरिया के साथ उसको भी चलाता था, वो भेड़ की तरह भेमे बोलने लगा। हाँ भेड़ की तरह भेमे बोलने लगा वो। एक दिन उसकी माँ आई, देखा ये तो हमारे बेटा है, ये भेमे बोलता है। देखिए जैसी संगति जैसा कीजिए संग, हाँ जैसा खाए पिए पानी वैसा बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा कीजिएगा संग वैसा स्वभाव हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसलिए संग हमें अच्छों का करना चाहिए, बुरे का संग कभी नहीं करना चाहिए, बुरी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। आदमी क्या नहीं कर सकता है। जापान देश में एक कलाकार था, वो बहुत गरीब था, तो सोचा कि अपनी गरीबी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फोटोग्राफर था, फोटोग्राफी का काम शुरू किया। वो एक सेठ के घर में एक बच्चा का जन्म हुआ था, बड़ा सुंदर बड़ा हैंडसम था बच्चा, घुंघराले बाल थे, बड़ा चांद की तरह उसका चेहरा था, पूरा गोरा रंग का था, बड़ा आकर्षक चेहरा था। उसकी फ़ोटो खींच लिया और मार्केट में बेचा तो बहुत पैसा कमाया। अब वो सोचा कि कुछ और काम करना चाहिए, एक ऐसा आदमी का फ़ोटो खींचना चाहिए जो खूंखार हो, जो कुरूप हो। तो सोचा कुरूप व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो जेलखाना में मिलेगा बदमाश। तो चला गया जेलखाना, तो वहाँ तो बदमाश ही बदमाश है, किसी को आजीवन कारावास है, तो कोई 20 वर्ष है, तो कोई 10 वर्ष का सजावार है। अब देखा एक नामी बदमाश है जो सैकड़ों मर्डर करके आया है, शराब पिए हुए है, लाल लाल आँख है, हाथ में रिवाल्वर है। सोचा कि यही खूंखार आदमी है, इसका फोटो खींचना चाहिए। उसका फोटो खींच रहा था तो बदमाश बोलता, खबरदार तो हमारा फोटो क्यों खींच रहा है। बोला, भाई देखो सच्चाई बता दूं। बोला, हाँ बताओ नहीं तो मार डालूंगा। सच्चाई यही है कि मैं बहुत गरीब था, हमारे मन में आया पैसा कैसे कमाऊं, तो मैं फोटोग्राफी का काम शुरू किया। एक सेठ के घर में एक बच्चा का फोटो खींचा, उसको बाजार में बेचा तो बहुत पैसा कमा लिया। फिर मन में आया कि दूसरा काम करूँ, तो सोचा किसी बदमाश का किसी कुरूप आदमी का फोटो खींचना चाहिए। तो मैं जेलखाने में आ गया तो तुम ही सबसे बदमाश दिखाई पड़े, कुरूप दिखाई पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ। बोले, दिखाओ तो फोटो, कौन सा सेठ का फोटो खींचा था बच्चा का, दिखाओ तो। तो सेठ पुत्र का फोटो दिखाया, बढ़िया से देखा, हुआ पहचान गया और रोने लगा, पकड़ करके फोटो को पकड़ करके छाती में चिपका करके रोने लगा। हाय ये बच्चा तो मैं ही हूँ, मैं बुरी संगति में पड़ करके, शराबियों का संग करके, जुआड़ियों का संग करके, व्यभिचारियों का संग करके मैं अपने को बदमाश बना लिया, आज जेल में बंद हूँ मैं। ये हमारा ही तस्वीर है, ये हमारा ही तस्वीर है, सेठ का बेटा मैं ही था, सेठ का बेटा मैं ही था। तो अच्छी संगति करके आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, आप बुरी संगति करके आप बहुत नीचे चले जाएंगे। इसलिए बुरी संगति नहीं कीजिए, अच्छी संगति कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई, मंगल भवन, गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदस रथ अजी रबिहारी, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, स
सब तज भजन करो दिन राती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप तपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो राम की भक्ति करेगा, जो ईश्वर की भक्ति करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। देखिए उदाहरण है, अभी सुन रहे थे सबरी केवट जटायु। सबरी चली गई गुरु की कृपा से मतंग ऋषि के शरण में और भगवान राम का दर्शन पाई। केवट भगवान का संग किया। देखिए केवट है ना, भगवान राम का संग किया तो उसका नाम अमर हो गया, नहीं हो गया? ऐसे केवट को कौन जानता। और जटायु, जटायु भगवान की सेवा किया। जब माता जगदम्बा का हरण किया जानकी का, तो विरोध किया, अरे दुष्ट तू जगदम्बा का हरण करके जा रहा है। चूज का प्रहार करता था, गुस्सा आया और पंख काट दिया, दोनों गिरा पड़ा है। कौन? जटायु। भगवान राम खोजते खोजते उसके रोए रोए से श्री राम श्री राम श्री राम की आवाज़ निकल रही है। भगवान राम देखा कि लहू लुहान पड़ा है। भगवान राम कहते हैं, मेरे मित्र तुम्हारी स्थिति कैसे हुई? बोलो जटायु तुम्हारे स्त्री किसने किया, तुम्हें किसने मारा? जटायु अभी मरा नहीं था, बोला प्रभु अभी अभी दशानन रावण माता जानकी का हरण करके ले गया, मैंने विरोध किया, मैंने उसे रोका तो हमारा पंख काट दिया। भगवान राम सब बात समझ गए। इतना कह करके कहा, प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे मित्र मेरे प्यारे तुम नहीं जा सकते, क्या मैं तुझे देवता बना दूँ, क्या तुम्हें ब्रह्मा बना दूँ, या तुम्हें विष्णु का पद दे दूँ? बोला नहीं प्रभु, ये अच्छा मौका है कि आपके नज़र के सामने मैं मारा जा रहा हूँ, इससे अच्छी गति नहीं हो सकती प्रभु। राम राम कहते हुए बोला, प्रभु हमें इष्ट आप ही मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु जाओ, अगला जन्म में भी मैं तुम्हारा गुरु होऊंगा। राम का नाम लेकर मर गया। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम प्रेम से, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो न पूछो कि मर कर किधर जा, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे,
ओ जिधर भेज देंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हम अपने घर जाएंगे, मुसाफिर हम अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भक्त भगवान की, नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अपना नाम दुनिया में अमर कर जाएंगे। अगर राम की प्राप्ति न भी हो सकी तो मनुष्य का शरीर तो निश्चित ही मिलेगा, और मनुष्य का शरीर मिल जाने के बाद फिर भजन भक्ति करके फिर हम ईश्वर बन सकते हैं, राम बन सकते हैं। इसलिए जरूरत है हम अपना कर्म करते हुए अध्यात्म मार्ग में जरूर चले, अपने बच्चों को भी इस रास्ते में लगावे। छोटा छोटा बच्चा बच्चियाँ आए वो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने बच्चों को भी सत्संग में लाते हैं। अगर बच्चा में सत्संग में नहीं लाएंगे, उसको अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे तो कुसंग पकड़ लेगा, गलत रास्ते में चला जाएगा, और लाख समझाएंगे वो मानने वाला नहीं है, शराबी बन जाएगा, जुआड़ी बन जाएगा, कबाबी बन जाएगा, आपकी बात वो नहीं मानेगा। लेकिन बालापन क्या है, जैसे तोता होता है, जब तक तोता का कंठ फूटा नहीं है तब तक सीख सकता है, लेकिन कंठ फूटने के बाद तोता नहीं सीख सकता, वयस्क हो जाने के बाद बच्चा भी नहीं सीखता, वो जवानी में आपको सताएगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, आपको लाठी मारेगा। गोकर्ण और धुंधकारी दो भाई था ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आता है, दोनों भाई था, आत्मदेव का पुत्र है दोनों, गोकर्ण भी और धुंधकारी भी, लेकिन गोकर्ण साधु है और धुंधकारी दुष्ट है। दुष्ट क्या करता है, किसी के घर में घुस गया शराब पी करके बदमाशों के साथ, और छोटा सा बच्चा को उठा लाया, कुओं में फेंक दिया, ये काम धुंधकारी का है। गोकर्ण सत्संग करता है और भोले भटके को सही रास्ता पर पहुंचाता है, तीर्थाटन में जाता है गोकर्ण, और किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करता है। कर भला हो वह भला, करके भलाई देख ले, हमारे महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे, कर भला हो वह भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा हो वह बुरा, करके बुराई देख ले। हम भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे, भक्ति का सेवा होता है, समर्पण होता है, किसके प्रति समर्पण, गुरु और ईश्वर के प्रति समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से समर्पित कर देना ही क्या है, भक्ति। माता सबरी ने भक्ति किया, अभी सुन रहे थे, पहली भक्ति संत का संग करना है, दूसरी भक्ति उनकी कथा प्रसंग सुनना है, हमारे टीके बाबू बड़ी सुंदर कंठ से सुना रहे थे, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। अरे हमको तो लगता है टीके बाबू अपना दोनों बेटी को तालीम कर दिए। हाँ, हमारे आदरणीय नेपाली बाबू थे, उनके घर में बहुतों बार मैं सत्संग किया हूँ, और पूरा जीवन उन्होंने संत पद की सेवा किया है, और उन्हीं का संस्कार इनके पूरे परिवार पर है। इनके चार भाई हैं ना कि पांच, चार भाई हैं और बहन है, सबको सत्संगी बनाया, समाज को सत्संगी बना दिया, छोटा छोटा बच्चा को यही सबको तोता की तरह पढ़ाया,
मैं देखा तो बाप ही पूत परापत घोड़ा और न कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा। हमारे सुधांशु जी महाराज, आदरणीय सुधांशु जी महाराज हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, संत हैं, और उन्हीं के शिष्य हमारे आदरणीय नकुल बाबू हैं, लेके बैठे हैं, बड़े महान हैं। इन्होंने पूरे परिवार को आध्यात्मिक बना दिया है, बहुत आदर्श परिवार। तो कहने का मतलब है, गुरु का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए, सत्संग को पकड़िए, कुसंग में नहीं जाइए। समय का सदुपयोग कीजिए, समय का दुरुपयोग नहीं कीजिए। बहुत धन कमा लिया, खरबपति बन गए, तो क्या होगा उससे? आपने भजन नहीं किया, आपका सब कुछ यही रखा रह जाएगा। नहीं, जो बहुत धन कमाया, भजन नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, समाज की सेवा नहीं किया, मरने के समय में बहुत भारी दुख होता है। हाय, मैंने बहुत कमाया, आज बीमार हूँ, खाट पर लौटा हूँ, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, सब विमुख हो गया, हमारा जिंदगी बेकार चला गया। लेकिन आप ने यदि भजन किया, सत्संग किया, दूसरों की सेवा किया, तो आपको एक शांति रहेगी। आप छाती ठोक करके जाएंगे, जमराज से भी कहेंगे, अरे भाई मुझे, मैंने जिस कारण धरती पर आया वो काम कर लिया, वो काम मैंने कर लिया, आपके पास पैसा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको पश्चाताप नहीं होता है। इसलिए ये मानव जीवन में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु के चरणों के कमलों की सेवा करनी चाहिए, मंत्र को जपना चाहिए, जो गुरु मंत्र दिए हैं। हमारा मन भागता है, हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती है, उसको काबू में करना चाहिए, समत्व प्राप्ति करनी चाहिए, यानी दृष्टिजोग की साधना करनी चाहिए, इससे प्रकाश की प्राप्ति होती है ना, शब्द की भी प्राप्ति होती है, हाँ, अनंत नाद पकड़ा जाता है, प्रकाश में ही शब्द होता है, उसको पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ेंगे? बाहरी कान से नहीं, अंदर के कान से पकड़ेंगे, हाँ, उसको सार शब्द कहते हैं। जब वो पकड़ में आ जाएगा, है ना, तो हमारा मन इंद्रियां सब काबू में हो जाएगा। हमें दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, नमम सरल सब सन चली हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। संतोष से दुनिया में रहना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। प्रभु परमात्मा हाथी को टन भर और चींटी को कण भर दे देते हैं, नहीं देते हैं, सबको देते हैं। विश्वास रखना चाहिए, कोई भूखे रहता है? खा करके तो बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन सुने हैं भूखे आदमी मर गया है? हाँ, खा करके ज़्यादा लोग मरे, लेकिन भूखे कम लोग मरे। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, भगवान राम कहते हैं। नवम सरल सब सन चलिहिना, मम भरोसे, हमारा भरोसा रखना चाहिए। नौ मह एक हों जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, असकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। देखिए, एक व्यक्ति था सज्जन, तो गया सरोवर के पास, तो सरोवर से कहा, ए सरोवर भैया, तू बड़ा गंभीर है, बड़ा विशाल है, लेकिन तुम्हारा पानी खारा है, बढ़िया नहीं है। तुम्हारा पानी अगर खारा नहीं होता तो तुम बहुत अच्छे होते। फिर चला गया गुलाब के पास, बोला, ओ गुलाब भैया, तू बड़ा हैंडसम है, बड़ा सुंदर है, तुम में कांटे नहीं होते तो तुम बहुत अच्छा होता। फिर चला गया कोयल के पास, बोला, ओ कोयल बहन, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है, मीठी है, अगर तू काली नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। वो कोयल बोलती है, ओ भैया, तुम्हारे अंदर भी निंदा चुगली करने की आदत नहीं होती तो तू भी बहुत अच्छा होता। किसी की निंदा चुगली नहीं करे। नवम सरल सब सन चली हिना, मम भरोसे ही हरस नहीं दिना। किसी की निंदा चुगली नहीं करे, है ना, ये सत्संगी का लक्षण है। तो भजन करिए, सत्संग करिए, समय हो गया। और जहाँ मैं भागवत सप्ताह कर रहा था वहाँ भी जाते थे और सुन के आते थे, और इनका आग्रह हुआ, मैंने कहा, नहीं, ज़रूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो
आया, ये गुरु महाराज की कृपा है और आप लोग यहाँ अपना अमूल्य समय दिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से आते जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए तो बड़ा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। हे ईश हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।